मध्य प्रदेश में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जिस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है वो अप्रत्याशित है। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं राहुल गांधी के रोड शो में किस तरह से भीड़ उमड़ रही है। भाई बहन के एक एक शब्द पर राज्य की जनता जो है वो प्रतिक्रिया दे रही है। मुद्दा ये नहीं है कि चुनाव कांग्रेस जीतेगी या नहीं, मुद्दा यहां पर यह है कि आने वाले वक्त में यानी कि लोकसभा चुनावों में भाई बहन की ये जोड़ी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। दोस्तों, ना सिर्फ सबसे बड़ी चुनौती बल्कि अगर मैं कहूं तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा नासूर। और यह उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में भाई और बहन पर हमला होगा, बड़े तौर पर होगा, व्यापक पैमाने पर होगा और भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम रिसोर्सेस का इस्तेमाल करने वाली है राहुल और प्रियंका पर हमला बोलने के लिए। ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद में तेरे। राहुल गांधी अपनी रैलीज में बहुत ही फोकस्ड अंदाज में हमला बोल रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि अगर शिवराज सिंह चौहान ये कहते हैं कि ओबीसी की सरकार है तो इतने सारे नौकरशाह और सिर्फ एक ओबीसी। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। क्या इस देश में पिछले वर्गों को, दलितों को, आदिवासियों को न्याय मिल रहा है, हां या ना, ये सवाल। और अगली लड़ाई जो मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूं वो शुरुआत है। अगली लड़ाई कमजोर वर्गों के न्याय की लड़ाई है और उसका पहला कदम मध्य प्रदेश में, पहला कदम यहां लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार को बदल के ये पहला कदम लिया जा रहा है। और शिवराज जी, इस सवाल का आप जवाब दीजिए, अगर ये ओबीसी की सरकार है, अगर ये पिछड़ों की सरकार है तो 53 में से एक अफसर ओबीसी का क्यों है और 100 रुपए में से 33 पैसे ओबीसी अफसर, ओबीसी के ऑफिसर्स पर क्यों निर्णय ले रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद। शिवराज जी कल तक जवाब दे देना। दोस्तों, बात यहां नहीं रुकती है। राहुल गांधी बार बार प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि आप जातीय सर्वेक्षण से क्यों घबरा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं। वो ये मांग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपने तमाम राज्यों में जातीय सर्वेक्षण कराना चाहिए और देश भर में जातीय सर्वेक्षण कराना चाहिए। और वो हवाला बिहार का दे रहे हैं। दोस्तों, बिहार में जैसे कि आप जानते हैं अब नौकरियों में 75% आरक्षण होगा, जिसमें 65% जो है वो शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब, और इसके अलावा जो ओबीसी और अति पिछड़े वर्ग हैं उनको आरक्षण मिलने वाला है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक दाव है और राहुल गांधी बार बार यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री जातीय सर्वेक्षण से डर क्यों रहे हैं। सुनिए राहुल क्या कह रहे हैं। इतनी शर्म की बात है, आज प्रधानमंत्री देश को कहता है कि ओबीसी शब्द का कोई मतलब ही नहीं है, हिंदुस्तान में जाति नहीं है, सिर्फ गरीब है। नरेंद्र मोदी जी, गरीबों की क्या जात है? गरीब दलित है, गरीब पिछड़े है, गरीब आदिवासी है, ये गरीब है। आप शब्दों के पीछे मत छुपो, आप देश को बताओ जाति जनगणना कब करने जा रहे हो। दोस्तों, इन चुनावों में प्रियंका गांधी वाड्रा भी एक बहुत बड़ी ताकत है। इनफैक्ट प्रियंका गांधी वाड्रा तो चुनावी मैदान में राहुल गांधी से पहले उतर गई थी। याद कीजिए, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस की स्ट्रैटेजी को श्रेय दिया जाता है उसकी जीत के लिए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी महिलाओं में जबरदस्त भूमिका निभाई थी, जबरदस्त मौजूदगी दर्ज की थी। आज वो शिवराज सिंह चौहान से पूछ रही हैं कि मामा बोल लेने से कोई महान नहीं बन जाता, मामा तो कंस भी था। पूरा बयान सुनिए प्रियंका गांधी वाड्रा का, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं इस मुद्दे को। आप जब कहते हैं भाई हमारी समस्या है, तो शिवराज चौहान जी कहते हैं मैं आपके भाप का मामा हूं, घबराओ मत। कहते हैं ना मामा जी, कहते आप कहते भाई खड़ी खेती तबाह हो रही है, वो कहते हैं कि मैं मामा हूं, घबराओ मत, मामा जी हूं। किसान को यूरिया नहीं मिल रही है, आप कहते हैं कि हम मामा हैं, है ना। लाखों युवाओं की उम्र बीत रही है, भर्ती की परीक्षा पे परीक्षा दे रहे हैं, कोई रोजगार नहीं मिल रहा,
कुछ बच्चे बिचारे 26 साल के हो जाते हैं, 27 साल के हो जाते हैं, परीक्षा दे दी, इंतजार में है कि चलो एक साल नहीं तो अगले साल भर्ती की लिस्ट आ जाएगी, फिर से क्यों दे, फिर से क्यों फीस भरे, नहीं आती रोजगार की लिस्ट। भर्ती घोटालों से जिंदगी बर्बाद हो गई है उनकी। जवाब आपको क्या मिलता है? मामा है हम आपके। महिलाओं के साथ अत्याचार होता है हर रोज। मध्य प्रदेश में 17 महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। सुरक्षा नहीं है, लाडली है, लेकिन सुरक्षा नहीं है। दोस्तों, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी लगातार राहुल गांधी हमला बोल रहे हैं। और क्यों हमला बोल रहे हैं मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया था जो आपके स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में क्या कहा था, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। किसी ने कहा था कि राजस्थान में छोटी मछलियों को ही पकड़ा जाता है, बड़ी मछलियों पर कार्रवाई नहीं होती। मैं ऐसे लोगों को कहूंगा, राजस्थान में छोटी बड़ी हर मछली पर कार्रवाई होगी। सिर्फ मछली ही नहीं, जनता को लूटने वाले बड़े मगरमच्छ भी छोड़े नहीं जाएंगे। तो प्रधानमंत्री से आज यही सवाल किया जा रहा है कि आखिर क्या वजह है कि जब विपक्ष के नेता आते हैं तो आपकी एजेंसीज मुस्तैद होती हैं, मगर जब आपके अपने पार्टी के नेता होते हैं तो आप खुद खामोश हो जाते हैं, एजेंसियां दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। और आपके सामने मिसाल नरेंद्र तोमर और उनका बेटा, जो एक स्टिंग ऑपरेशन में कथित तौर पर वसूली की बात करते हुए देखा जा रहा है। राहुल गांधी अपनी चुनावी रैली में इसी को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र तोमर के मुद्दे पर एजेंसीज कहां गई, प्रधानमंत्री क्यों खामोश हैं। देखिए किस तरह से वो करारा वार करते हैं, किसी और पर नहीं, सीधे प्रधानमंत्री पर। अब मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। बलात्कार का कैपिटल है, यस, 11 साल की बच्ची का, 11 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, रेप होता है। यहां पे कहां पे? उज्जैन में। पूरा देश जानता है। बेरोजगारी का कैपिटल, बलात्कार का कैपिटल। अच्छा, आपने वो वीडियो देखा, वो मंत्री का बेटा जो है, क्या नाम है उसका, तोमर वाला वीडियो देखा आपने? देखा? अच्छा एक बात बताओ, तोमर जी का वायरल वीडियो आपने देखा, बेटे का वीडियो देखा? मैंने भी देखा। वो वहां पे कभी 15 करोड़ की बात हो रही है, कभी 100 करोड़ की बात हो रही है, कभी 25 करोड़ की बात हो रही है, कभी यहां पैसा ट्रांसफर करो, वहां पैसा ट्रांसफर करो, इधर पैसा ट्रांसफर करो। देखा ना आप सबने, मोदी जी ने इसके बारे में कुछ बोला? क्यों? मोदी जी ने इंक्वायरी कराई? मोदी जी ने सीबीआई भेजी, ईडी भेजी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेजा? क्यों नहीं? तो चाहे वो व्यापम हो, चाहे वो ये क्या नाम लड़के ना, तोमर हो, कोई भी स्कैम हो मध्य प्रदेश में, कोई भी भ्रष्टाचार हो, नरेंद्र मोदी जी कुछ शब्द नहीं, एक शब्द नहीं बोलेंगे, एक शब्द नहीं निकलेगा। मोदी जी एक काम कीजिए, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो वीडियो दिखा दीजिए ना तोमर जी का। पता नहीं शायद उन्होंने देखा नहीं है, बाकी हिंदुस्तान को दिख गया, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को नहीं दिखा। दोस्तों, इन चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के सामने एक नया मंत्र रखा है। और वो नया मंत्र क्या है कि अगर आप 2024 में मुझे एक और मौका देते हैं तो मैं भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बना दूंगा। और इत्तेफाकन ये बात उन्होंने पहली बार 8 नवंबर को कही थी, जब 2016 में इसी तारीख को नोटबंदी का दंश देश को झेलना पड़ा था। प्रधानमंत्री एक बार फिर उस बात को दोहरा रहे हैं और कांग्रेस ने इस बात पर चुटकी ली है। प्रधानमंत्री का बयान आपके स्क्रीन पर। आप सभी जानते हैं कि अगले साल लोकसभा के चुनाव के बाद केंद्र में तीसरी बार मेरी सरकार बनने जा रही है। मेरे तीसरे टर्म में भारत का दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में आना तय है। भारत की इस तेज विकास का लाभ राजस्थान को भी मिले, इसके लिए राजस्थान में भी भाजपा सरकार होनी जरूरी है। मगर प्रियंका गांधी पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है कि जब किसान के कर्जे माफी की बारी आती है तो आपको सांप सूंघ जाता है, मगर आप खुद महंगे जहाज खरीद कर घूमते हैं। अपने परम मित्र उद्योगपतियों के प्रति आपकी जो नीति है वो अलग है और किसानों को लेकर अलग। देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा किस तरह से प्रधानमंत्री पर हमला बोल रही हैं। क्या आप इतनी बड़ी समस्या से जूझ रहे हो? यूरिया की इतनी बड़ी समस्या है, क्या किया इसके समाधान के लिए? आपको कोई राहत क्यों नहीं दी? मैं आपको बता रही थी,
कि किस तरह से ये लोग कहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसा नहीं है। मैं बता रही थी जब आंदोलन हो रहा था तो प्रधानमंत्री घर से अपने आवास से निकले तक नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने और भाइयों उस समय उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का बकाया 15,000 करोड़ रुपए था, 15,000 करोड़ रुपए का बकाया, 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज हमारे प्रधानमंत्री जी अपने लिए खरीदते हैं। किसके पैसों से? किसके पैसों से? अपनी जेब से निकाले। वो तो कहते हैं कि वो क्या नाम है, फकीर है कहते हैं ना, तो अपनी जेब से तो नहीं निकाले होंगे ये 16,000 करोड़ रुपए कहां से लिए? सरकार ने दिए, सरकार ने उनके लिए खरीदे। मोदी जी को कहते हैं कि 70 साल पुरानी चीज तो कुछ नहीं थी भाई, कांग्रेस की सरकारों ने कुछ नहीं किया, कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। चलो ठीक है, मान लिया आपको कुछ नहीं पसंद। कहते हैं कि IIT, IIM, AIIMS जैसी बड़ी चीज जो BHCL, HCL अगर ये कांग्रेस ने 70 सालों में बनाया नहीं होता तो आपने अपने उद्योगपति मित्रों को दिया कैसे होता? कैसे दिया? अगर बनाया नहीं था तो था ही नहीं। दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर करारे हमले जो हैं वो तेज होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति बनाने वाली टीम है वो लगातार देख रही है कि न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि प्रियंका गांधी भी अपने स्तर पर कई जगहों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कर रही है। हिमाचल प्रदेश का जिक्र मैं कर ही चुका हूं, मध्य प्रदेश में भी राहुल गांधी से पहले ही प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में थी, और ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त असहजता, नर्वसनेस पैदा कर रहे हैं। उधर राहुल गांधी हैं जो जातीय सर्वेक्षण पर लगातार हमले बोल रहे हैं दोस्तों, और ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कांग्रेस को एक बार फिर मैदान में ला रही हैं, मुकाबले में ला रही हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर 3 दिसंबर को 3 राज्य, और मैं 3 राज्य क्यों कह रहा हूं क्योंकि यहां पर सीधा मुकाबला है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, अगर इन 3 राज्यों में कांग्रेस 2 भी जीत जाती है तो यकीन मानिए उसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह की राजनीतिक गति न सिर्फ कांग्रेस बल्कि इंडिया गठबंधन को मिलेगी ना, वो अप्रत्याशित होने वाली है। क्यों? क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने वाले हैं, उससे उन्हें और बल मिलेगा, नंबर एक। नंबर दो, बिहार में आप देख ही सकते हैं जातीय सर्वेक्षण के तुरंत बाद अब आरक्षण के दायरे को 75% करने का की सिफारिश लेकर नीतीश कुमार आए हैं। ये तमाम फैक्टर्स देश भर में असर डालने वाले हैं और इसी वजह से बीजेपी बुरी तरह से बौखलाई हुई है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।